हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सूजी का नाश्ता बनाएंगे, झटपट नाश्ता। सूजी का चिल्ला बनाएंगे। तो गाइज सूजी ले लेते हैं। ये मैंने 300 ग्राम सूजी ले ली है और इसमें 4 प्लेट नाश्ता बनेगा। और सूजी में हम दही डाल लेते हैं, इसमें सब्जियां भी डलेंगी। तो पहले हम सूजी को दही डालकर भिगो कर रख देंगे ताकि ये सूजी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने एक कटोरी दही ली है, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला था। सूजी को हम दही से भिगो लेंगे पहले। तो गाइस इसमें आप चाहें तो 2 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये नाश्ता। इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/2 चम्मच स्वाद के अनुसार। और गाइस 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे इसमें। हम काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच। तो गाइस ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। सूजी ने सारा पानी सोख लिया है और सख्त हो गई है, क्योंकि सूजी पानी सोख लेती है। अब इसमें हम रिक्वायर्ड के अनुसार पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। गाइस ये नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और सुपाच्य भी होता है। ये देखिए, सूजी को हम 5 से 7 मिनट के लिए उठा के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए हमारी सूजी। तब तक हम अपनी सब्जियां काटेंगे। 1 से 2 हरी मिर्च काटेंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा हम अदरक का डालेंगे। अदरक डालने से ये पच भी जाता है, अदरक हमारा खाना पचाती है और टेस्टी भी बनाता है नाश्ता इससे। और गाइस थोड़ी सी हम इसमें फ्रांस बीन डालेंगे। इसमें गाजर भी डलते हैं जो अभी मेरे पास थी नहीं। ऐसी कच्ची सब्जियां जो हम खा सकते हैं कच्चा भी, और उनको डाल लें। तो मैंने 50 ग्राम के करीब फ्रांस बीन ले ली है, और 1 बड़ा मैं टमाटर ले लूँगी और इसको भी बारीक काट लूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट लेंगे। और टमाटर काटने के बाद हम प्याज काटेंगे। प्याज को भी हम बारीक बारीक काटेंगे। अगर आपको टेस्टी लगती है तो आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। गाइस विटामिन सी होता है शिमला मिर्च में, गाजर में। ये इसमें प्रोटीन होते हैं काफ़ी। इस बहाने से हम सब्जियां भी खा लेते हैं, तो काफ़ी सारी सब्जियां हमें इसमें डालनी चाहिए। तो बारीक प्याज मैंने काट लिया है। सारी सब्जियों को हम सूजी में मिला देंगे। गाइस सूजी पचने में भी हल्की होती है, गाइस आसानी से पच जाती है। और ये जो नाश्ता है कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है। अगर आप नॉन स्टिक पे बनाते हैं तो सिर्फ 2 बूंद तेल में आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे एकदम। तो बैटर हमारा तैयार हो गया गाइस। अब हम एक तवा चढ़ाएंगे। सिंपल तवे पर भी बना सकते हैं, और ये मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है। जो हेल्दी लोग हैं थोड़ा बहुत ऑयल खा सकते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिनके रहता है वो बहुत ही कम खाएं तेल, तो इस पर इस तरह से बना सकते हैं जो कम तेल का खाना चाहते हैं नॉन स्टिक पर। तो ये देखिए, इस तरह से फैलाकर बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाएंगे साइड में। ये एक चीला गाइज 2 से 3 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, देख लेते हैं एक बार। तो नीचे से तो सिक गया है, तो इसको पलट देंगे। तो पलटने के लिए हम इसी तरह से, ये देखिए, उछाल कर इसी तरह से पलट देंगे। अगर स्पैचुला बड़ा होगा तो हम स्पैचुला से भी पलट सकते हैं। थोड़ा सा पलटने के बाद इसमें फिर से ऑयल लगाएंगे। ये 0 ऑयल कुकिंग है गाइस, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। ये देखिए, फिर से पलट दिया है, दूसरी तरफ से सेक लेंगे। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हम दोनों तरफ से सेकेंगे इसको अच्छी तरह से करारा। दूसरी तरफ से भी सिक गया है। तो गाइस निकाल लेते हैं। ये देखिए, बन गया चीला हमारा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। इसमें मैंने दही भी डाला है काफ़ी सारा। इस तरह से हेल्दी नाश्ते बनाकर आप खा सकते हैं गाइस। इसको हम सॉस के साथ खाएंगे, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो आप खा सकते हैं। सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है इसके साथ।
तो गाइज इसी तरह से मैं सारे चिल्ले बना लूँगी और आप भी बनाइए इसी तरह से हेल्दी एंड क्विक नाश्ता, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपका ये नाश्ता कैसा बना था। ओके गाइज, बाय बाय।